बनाइए वीडियो आप। हाँ। मैं वही देखने के लिए गई थी, हर लॉकडाउन में करती हूँ मैं ये काम। अच्छा। आज को लगाइए वीडियो जितना लगाना है आपको। नमस्ते दोस्तों, पार्टी चाहे एक्स की हो या वाई की हो, जब भी कोई पार्टी एक्स नियम ला रही है ना, तो वो नियम गरीब के ऊपर अमीर के ऊपर, यानी इक्वलिटी ये समानता से लागू होना चाहिए। चाहे फिर वो पार्टी का जो नियम आ रहा है ना, चाहे वाई पार्टी ले रहा है चाहे एक्स पार्टी ले रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है कि वो नियम सबके ऊपर लागू होने चाहिए, चाहे आम आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सभी लोगों के ऊपर नियम लागू होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों आज आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, चालान काटने लगा तो युवती ने सरकार का भंडाफोड़ किया। यानी कि अब इस लाइन को हम डीपली समझते हैं कि डीपली इस तरह से, या आपको एक मैं लास्ट में वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा और आपको इस वीडियो को भी फुल वॉच करना है। क्या है दोस्तों, ये स्कूटी गर्ल है जो कि अपने काम से जा रही थी, पर पुलिस वालों के द्वारा इस स्कूटी वाली गर्ल को रुकवा लिया जाता है और इससे चालान, जो इसने हेलमेट नहीं लगा रखा, इससे बोलते हैं कि आप चालान भरो, तो ये लड़की भड़क जाती है। और भड़कना भी दोस्तों इस टाइम के ऊपर बिल्कुल सही है। जैसे कि आप लोग जानते होगी, यदि कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लग रहा है हमारे भारत देश के अंदर और कहीं कहीं जो स्टेट है, जैसे कि कर्नाटक के अंदर तो कई दिनों का लॉकडाउन लग रहा है, और अब केरल के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी, अलग अलग क्षेत्र के अंदर यानी कि अलग अलग राज्यों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। पर हम सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है, जब लॉकडाउन लगा रहे हैं तो पिछले जब कोरोना का केस बढ़ रहा है, जैसे कि कुंभ का मेला जो कि हरिद्वार में पड़ता है, और हरिद्वार में इसमें काफ़ी संख्या में जो साधु संत है ना वो एकत्रित होते हैं, और यहाँ से जो कोरोना का जो स्प्रेड हुआ था ना, जो स्प्रेड फैला था ना, वो बहुत ही नंबर ऑफ केस कोरोना के बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली। और दूसरी आती है चुनावी रैलियाँ, यानी कि चुनावी रैलियाँ हमारे भारत देश के जो नेता वर्ग है ना, इनका तो ये कहना है कि चुनावी मंशा से यदि हम बाहर निकले ना तो कोरोना कुछ भी नहीं होगा। इसी को ही देखते हुए दोस्तों ये जो स्कूटी गर्ल है ना, बड़की, यानी कि जो नियम लाए जा रहे हैं वो जो चुनावी रैलियाँ हैं उनका कोई चालान नहीं कटता, और फिर हम आम आदमी का चालान करता है। यानी कि जो नियम निकल रहे हैं ना वो आम आदमी के ऊपर तो लागू कर रहे हैं या थोप रहे हैं, जो अमीर आदमी है चाहे उसका कुछ भी नहीं कर रहे। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि यदि आपको नियम ही लाना है तो वो नियम सभी के ऊपर ही लागू होने चाहिए, चाहे फिर वो आम आदमी हो या गरीब आदमी हो। दोस्तों एक लास्ट का वीडियो क्लिप देखिए, और ये वीडियो क्लिप आपको देखने से आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसी एजुकेशन वीडियो के। भैया आपके हो गए कौन सा, ये है आपका प्रत्येक न्यूज। अच्छा, अभी वहीं से आ रही हूं। आपको कुछ कहना है तो इसमें से मैं कहिए। सबसे पहला तो ये गाड़ी का पास इसलिए बनेगा कि गरीब लोग जो भूखे मर रहे हैं उसका जाके वीडियो क्यों नहीं खींचूंगा। नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है, तो वही देखने के लिए गई थी। बनाइए वीडियो आप। हाँ। मैं वही देखने के लिए गई थी, हर लॉकडाउन में करती हूँ मैं ये काम। अच्छा। आज को लगाइए वीडियो जितना लगाना है। हेलमेट भी नहीं लगाएंगे आप? हाँ, नहीं लगाऊंगी मैं। अच्छा, नहीं लगा, कानून का पालन नहीं करें। मर रहा, आपको आपको हेलमेट का चिंता हो रहा है? क्यों हेलमेट का चिंता नहीं? हेलमेट का चिंता हो रहा है, लेकिन ये चिंता नहीं हो रहा है कि रिक्शा वाला भूखे मर रहा है। मैं तो हर पिछले तो रूल तोड़ के करेंगी आप? नो, कुछ भी नो, पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में बांटी हूँ खाना। हाँ। और इस साल भी बांटूंगी। हाँ। क्योंकि मोदी को समझ नहीं आता है। हाँ। नीतीश कुमार को नहीं आता, मुझे तो आता है। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो 5 रुपए जरूर खिलाऊंगी। अभी जाके देखिए रिक्शा वाला कैसे मर रहा है। कोई इसके लिए किसी ने रोका है खाना खिलाने के लिए? मेरी वीडियो बना रहे, जाके नीतीश कुमार का वीडियो क्यों नहीं बनाते है? बनाइए उसका, मोदी का भी निकाल लीजिए वीडियो। समझ गए? अच्छा, लाज कर दीजिए उनका। सोचते एक बार लड़की होकर के निकल के जाकर के उस लोगों को खिलाने जाती हो, ये तो बहुत शर्म की बात है नीतीश कुमार के ऊपर। हाँ, वो शर्म की बात है, लेकिन आप अच्छा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले सर उसने पूछा भी नहीं कि कितने लोग भूखे मरेंगे, पूछा उसने, लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि गरीब आदमी मरे मरे, रोज रिक्शा चालक, रोज खाने पकाने वाला, वो आदमी की क्या हालत होगी बताइए मुझे। जो आदमी रोज खाता है, रोज पीता है और रोज रिक्शा चला करके वही खाना खाता है, उसका क्या होगा? कभी पूछा नहीं, बस वीडियो शूट करने चले आए। शूट करना नीतीश कुमार के गेट पर जाके शूट करिए ना, नीतीश कुमार का फ्रंट पेपर पर छाप दीजिए।